बॉलीवुड में जितने किस्से दोस्ती के मशहूर है उतने ही दुश्मनी के भी है। कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब दुश्मन, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा ही किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ भी हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा ने हमेशा राज कपूर का बहुत सम्मान किया है, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें RK स्टूडियो से शम्मी कपूर ने शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर कर दिया था। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा और राज कपूर ने साथ में फिल्म खान दोस्त में काम किया, जो RK स्टूडियो बैनर तले ही बनी। फिल्म फ्लॉप हुई थी और बताया जाता है कि इसकी वजह मेकर्स के साथ शत्रुघ्न सिन्हा का आपस में मेल न खाना है। चलिए आपको शम्मी कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा का एक किस्सा बताते हैं। IMDB की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा राज कपूर को अपना आदर्श मानते थे और उनका कहना था कि वो एक्टर भी उनके कारण ही बने, लेकिन शत्रुघ्न राज कपूर के पिता को अच्छा नहीं मानते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो FTII में पढ़ते थे तब पृथ्वीराज कपूर वहाँ एक सेमिनार अटेंड करने आए थे। उन्होंने छात्रों से बात की और ऑटोग्राफ भी दिया। छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शत्रुघ्न को पसंद नहीं आया। बाद में किसी इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने पृथ्वीराज कपूर को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसे शम्मी कपूर ने अपने मन में रखा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म खान दोस्त की शूटिंग के लिए शत्रुघ्न सिन्हा RK स्टूडियो आए तो शम्मी कपूर सेट पर पहुंच गए। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि उन्होंने उनके पिता के बारे में वैसी बातें क्यों कही। उनके बीच बातें तेज हुई जो बहस में बदल गई। बताया जाता है कि शम्मी कपूर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का कॉलर पकड़कर स्टूडियो से बाहर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। हालांकि बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में माफी भी मांगी और राज कपूर ने दोनों में सुलह कराई। फिल्म खान दोस्त बनी, लेकिन मेकर्स और एक्टर्स में रंजिश होने के कारण फिल्म सफल नहीं हो पाई। 30 के दशक में पृथ्वीराज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके तीन बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर थे। तीनों हिंदी सिनेमा के पॉपुलर एक्टर्स बने, लेकिन राज कपूर का स्टारडम सबसे ज्यादा रहा। बाद में राज कपूर के तीन बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। इनमें से ऋषि कपूर ज्यादा हिट हुए। उसके बाद रणधीर कपूर को हिट का दर्जा मिलता है, लेकिन राजीव कपूर एक्टिंग में फेल हुए। कपूर खानदान के एक्टिंग की विरासत रणधीर कपूर की बेटियां करिश्मा कपूर, करीना कपूर और ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।